महाराजगंज के गुलरिया थाना क्षेत्र में देर शाम को ओटीएफ निगरानी समिति के भय से नए नवेली पत्नी को दूसरे गांव के सिवान में बाइक शौच कराने ले जाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। लड़की को लड़के के साथ अकेला देख बगल के गांव के दो मनबड़ छिड़खानी करने लगे। विरोध करने पर मनबड़ों ने पति की जमकर धुनाई कर दी, जिसकी सूचना पर पहुंचे देवर की भी पिटाई कर दी गई है, जिससे उसका सर फट गया। 100 नंबर की सूचना पाकर मौके पर पहुंची गुलरिया पुलिस दोनों पक्षों को पकड़कर फिलहाल थाने ले गई। ग्राम पंचायत अशरफपुर के नीर निर्मल परियोजना में चयनित किया गया है। महेंद्र निषाद की शादी बीते 23 नवंबर को हुई। निगरानी समिति के भय से महेंद्र रविवार की शाम को अपनी नई नवेली पत्नी सरोज को दहेज में मिले बाइक पर बैठाकर बगल के गांव फुलोरिया के धुसवा टोला के सिवान में शौच कराने ले गया था। घनघोर कोहरे के बीच महिला के साथ बाइक सवार युवक को देख शौच कर रहा धुसवा निवासी मनबड़ छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर मारपीट भी करने लगा। सूचना पाकर पहुंचे दुल्हन के देवर को भी मनबड़ पीटने लगे जिससे देवर का सर भी फट गया है। जाते हैं और खुले में भी रोक लगा है तो अपने खेत में जाते हैं तो ये हालत देखना पड़ता है। सब बदतमीजी करते हैं और ग्राम का जो प्रधान है वो बनने भी नहीं देता है और खुले में शौच भी नहीं करने देता है। क्या कहते हैं प्रधान जी? क्या कहते हैं? कहते हैं बंजर है, इसमें नहीं बनाना है। तो कहाँ बनाना है? अब वो कहते हैं जब ऑर्डर मिलेगा तब बनाना है, नहीं तो नहीं बनेगा। मारपीट हुई सर, क्या मामला था सर? देखिए, शौचालय को लेकर जो मारपीट की बात सामने आई है, इसकी जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो भी बात सामने आई उसके आधार पर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में एसपी नॉर्थ के अनुसार जांच करने की बात कही गई है और शौचालय न होने की बात पर प्रशासनिक अधिकारी अपने आंकड़े बताने लगे। महाराजगंज से जनमत न्यूज के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।